प्री पोजिशंस, पोजिशन का मतलब क्या होता है स्थान, और प्री मतलब पहले। तो प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन जो वर्ड है इसका जो प्लेस है नाउन प्रोनाउन वर्ब उसके पहले ही यूज करते हैं, यानी उसके पहले इसका स्थान है। नाउन के पहले भी आएगा, प्रोनाउन के पहले और वर्ब के पहले, तीनों के पहले जो यूज होगा। और क्यों यूज होता है? रिलेशन बनाने के लिए, किस लिए? रिलेशन बताने के लिए यूज होता है प्रीपोजिशंस का। They are sitting on a rock. ये on a rock, एक रॉक के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर बोलो बैठे हुए हैं। ये रॉक है क्या? नाउन है ना? तो उसके पहले ये on लगा preposition, और उसके बाद क्या कर रहा है? उससे relation भी बता रहा है। क्या relation? ये जो verb है ना, इस verb के साथ इसका relation बता, इस pronoun के साथ भी इसको relation जोड़ रहा है, उसके साथ रिलेशन जोड़ दिया। तो कहां है वो? रॉक के ऊपर। तो प्रीपोजिशन नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले, वर्ब के पहले। आई हैव डिसाइडेड टू टीच यू, यहां प्रीपोजिशन कहां है? मैंने क्या कहा था? नाउन के पहले तो हुआ, उसके बाद वर्ब के पहले, तो ये वर्ब है ना, उसके पहले यूज हो गया, और रिलेशन किससे बता रहा? इसके साथ, यानी यू के साथ रिलेशन आई। अगर ये नहीं होता फिर रिलेशन बताता ही नहीं। आई हैव डिसाइडेड टीच यू, ये अगर नहीं होगा तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस, क्लियर मीनिंग नहीं निकलेगा, और ये रिलेशन भी नहीं दिखाएगा। इसलिए वर्ब के पहले टू का यूज हो गया।